आप सभी का स्वागत है राइटर क्रिएटिव 7 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेलीविजन की मशहूर अदाकारा जो अब सबके दिलों में अपनी एक अलग सी जगह बना रखी हैं, भाविका शर्मा की। भाविका शर्मा ने अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत 2015 में टीवी सीरियल परिवारिश सीजन 2 से की थी, जिसमें उन्होंने रिया गुप्ता की भूमिका निभाई। वह 2017 से 2018 तक वह टीवी सीरियल जी जी मामे नीति की भूमिका में दिखाई दी थी। उसके बाद वह सोनी सब की टीवी सीरियल मैडम सर में कांस्टेबल संतोष शर्मा की भूमिका में दिखाई दी थी। इस भूमिका में से उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली। 2023 से स्टार प्लस के टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार में आईपीएस सावी चौहान की भूमिका निभा रही हैं। भाविका शर्मा ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 2020 में हिंदी फिल्म कुकी से की थी, जिसमें उन्होंने मिनी कपूर की भूमिका निभाई थी। अगर बात की जाए भाविका शर्मा की, तो इनका जन्म 5 अगस्त 1998 को हुआ था। इन्होंने जीजी माँ में नियति पुरोहित, मैडम सर में कांस्टेबल संतोष शर्मा और गुम है किसी के प्यार में सावी चौहान की भूमिका के लिए जानी जाती हैं। भाविका शर्मा का जन्म 5 अगस्त 1988 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही अभिनय का शौक रहा, इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में ही टेलीविजन शो में काम करना शुरू कर दिया। भाविका शर्मा ने वर्ष 2015 में परिवारिश सीजन 2 में रिया गुप्ता के किरदार से अपनी शुरुआत की। 2017 में जी जी माँ, उसके बाद मैडम सर और अभी लेटेस्ट में वह गुम है किसी के प्यार में इस शो पर काफ़ी ज़्यादा फेमस नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए भाविका शर्मा की, तो ये बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं और ये नेचर वाइज भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। भाविका शर्मा की जोड़ी शक्ति अरोरा के साथ काफ़ी ज़्यादा पसंद की जा रही थी। अब तो इस शो में ली पा रहा है, लेकिन फिर भी दर्शकों में पहली पसंद इनकी जोड़ी ही बनी हुई है।